Namaskar, hello and a very warm welcome to CIETN CRT's live phone in interactive program. मैं हूं तन्वी खुराना और विज्ञान की आज की इस कक्षा में हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जिसे पढ़ने में बच्चों को बहुत मजा आएगा. कक्षा 7 के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं ई विद्या चैनल नंबर 7 के माध्यम से. और जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है लाइट, द फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. लाइट हम सभी के घरों में, आप सभी ने लाइट देखी होगी, ट्यूबलाइट से लाइट आती है जो कि हम आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं, और एक सनलाइट की लाइट होती है, वो नेचुरल लाइट होती है. अब लाइट के बारे में क्या है जानने के लिए, ये हमें बताएंगे हमारे आज के मेहमान. अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर हम तक पहुंचाइए. नंबर है 8800044055. अगर इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो कि है NCERT Official, तो उस पे लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं और आपके सवालों का हम इंतज़ार करेंगे. तब तक आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान से. हमारे साथ हैं मिस्टर सुधांशु शर्मा. स्वागत है सर आपका. नमस्कार सर. हैं रिसर्च स्कॉलर, सेंटर फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जोधपुर से. और मेरे पास हैं बहुत सारे सवाल सर से पूछने के लिए, तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं. और क्योंकि टॉपिक है लाइट, तो लाइट को समझने के लिए सर से पूछते हैं कि सर आप लाइट को एक आम भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद वो आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं. और जो टॉपिक है हमारा आज का, ये लाइट द फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि लाइट का इम्पोर्टेंस तब हमें समझ में आता है जब हमारे आसपास लाइट नहीं हो, यानी कि आज जब हमारे आसपास अंधेरा हो तो हमें समझ में आता है कि लाइट का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है और लाइट हमारे जीवन में जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. और डिफाइन करने के लिए हम लाइट को ये बोलते हैं, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन. क्योंकि बिना लाइट चीज देख नहीं सकते, ऐसी ऊर्जा जो हमारी आंखों में सेंसेशन ऑफ विजन को क्रिएट करता है, विजन यानी देख पाने की सामर्थ्य को जो है क्रिएट करता है, तो उसे हम लोग जो है लाइट बोलते हैं. ठीक है जी. और लाइट क्यों जो है फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ, ठीक है, इसका भी कारण है. अब सोचिए जो है, एज्यूम करिए जो है हमारा धरती जो है या हमारे सोलर सिस्टम में सन नहीं है, ठीक है, तो हमारे जो है पृथ्वी में जितना भी वेजिटेशन है वो किसकी वजह से है, लाइट की वजह से है. फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, और सनलाइट हमारा नेचुरल सोर्स है लाइट का. तो एक सन नहीं होने से, एक लाइट नहीं होने से कितनी बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी कि हम लोगों का एक्सिस्टेंस ही नहीं होगा, हम लोग ही नहीं होंगे सिर्फ लाइट के नहीं होने से. हाँ, तो इसीलिए कहा गया है कि लाइट जो है फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइफ है धरती पर. अब लाइट के जो है अपने अलग अलग आयाम हैं कि लाइट को कैसे कैसे जो हमने परसीव किया है. कोई बोलता है लाइट एक वेव है, ठीक है, कोई बोलता है नहीं, लाइट पार्टिकल है. फिर जो है साइंटिस्ट जो है कंक्लूजन में आए, नहीं लाइट दोनों है, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है. अब लाइट पार्टिकल एनर्जी पार्टिकल कैसे हो जाएगी, ये हम लोग लेटर क्लासेस में जब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के बारे में, आइंस्टीन के बारे में, तो हमें पता चलता है कि लाइट जो है पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट होती है. लेकिन अभी हम क्या जानेंगे, अभी हम यही जानेंगे कि लाइट वेव होती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, हमें सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करती है, और हमारे लाइफ के लिए जो है इम्पॉर्टेंट, हमारे डे टू डे जीवन शैली के लिए इम्पॉर्टेंट है. आप सोचिए, अगर लाइट नेचुरल लाइट नहीं, हम कितनी देर बिजली चलाएंगे, कितनी देर बिजली क्रिएट करेंगे. बिजली तो आज 19वीं शताब्दी में जो है आई है, 20वीं शताब्दी में वो पहली, 21वीं में मिल रही. उससे पहले लोग जो है कैसे करते थे, कुछ लोग आग जला लेते थे. आग भी कैसे जलाओगे, लकड़ी से जलाओगे. लकड़ी कहाँ से आएगी, वो भी जो उगनी चाहिए, वेजिटेशन होना चाहिए, और वेजिटेशन होने के लिए फिर से नेचुरल लाइट होनी चाहिए. यानी कि घूम फिर के बात आ जाती है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट पे, कि लाइट नेचुरल लाइट जो है उसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा. आर्टिफिशियल लाइट हमारे काम चलाने के लिए, रात में उपयोग करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं. अब नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट जो है हमारा वेव प्रॉपर्टीज, कैसे जो है बिहेव करती, वेव की तरह बिहेव करती. एक सीधी सी जो है तरंग चली आ रही है, और बिल्कुल जहाँ कहीं भी चलेगी लाइट वो बिल्कुल सीधा सीधा चलेगी, बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन में. रिफ्लेक्ट भी होगी तो भी जो है सीधी डायरेक्शन में चलेगी, आड़ी तिरछी नहीं चलेगी जो है. और मान लीजिए कोई अगर मीडियम है, ये पेन है,
और ये पेन के अंदर से अगर लाइट प्रवेश कर रही है, ये यहाँ से बेंड है, तो इस तरफ से हम इसको देख नहीं पाएंगे। यानी कि हमें देखने के लिए भी ये जो मीडियम है हमारा पेन का, इसके अंदर बिल्कुल जो है सपाट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तब भी एक सिरे से दूसरे सिरे पर हम लाइट को देख पाएंगे। ठीक है, लाइट बिहेव लाइक अ वेव विद अ वेव लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी, इट्स स्पीड इज कॉन्स्टेंट इन वैक्यूम बट चेंजेस एज इट पासिस थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। मतलब कि हमारे आसपास धरती के जो है आउटर एटमोस्फियर में क्या है, वैक्यूम है, क्योंकि उधर वैक्यूम क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर, और हमारा जो है गैलेक्सी में मैक्सिमम वैक्यूम ही है, हर जगह जो है एटमोस्फियर नहीं है। तो यानी कि जो लाइट जब वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट होती है, और जब लाइट किसी मीडियम में जैसे एयर से चल रही है लाइट तो उसकी दूसरी स्पीड होगी, वाटर में जा रही है तो वाटर में अलग स्पीड होगी, सॉलिड में जा रही है नहीं, सॉलिड में कैसे जाएगी, सॉलिड में लाइट नहीं होगी, सॉलिड में अगर जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि सिर्फ एयर या वाटर ऐसे मीडियम जो लाइट को ट्रेवल करने में जो हेल्प करते हैं उन्हीं में लाइट चलेगी, ऐसे मीडियम में लाइट नहीं जाएगी जहां पर जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। यानी कि सॉलिड में जो है हमारी लाइट ट्रेवल नहीं करेगी, वहां सॉलिड सरफेस से अगर टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसमें जो है हम कहने का अर्थ है, इट्स स्पीड इज कॉन्स्टेंट इन वैक्यूम बट चेंजेस एज इट पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। अब स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, जैसे हमने बोला कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती, बिल्कुल सीधे जो है लाइट, ऐसे नहीं चलेगी कि अभी ऐसे चल रही है फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे कूदेगी ऐसे जाएगी, लाइट चलना है तो बिल्कुल उसको सीधे चलना है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज वाई शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ अ लाइट। अब जैसे देखिए हमारे पीछे जो है अगर मैं देखूं हल्का सा शैडो बन जाएगी, ये कुछ मैं इशारा कर रहा हूँ ये, तो ये जी क्या हो रहा है, लाइट यहाँ ब्लॉक हो रही है, इस ब्लॉक होने की वजह से पीछे लाइट पहुंच नहीं पा रही, तो हमारा क्या बनना है, यहाँ पे शैडो बन रही है। यानी कि जब स्ट्रेट लाइन में जो है लाइट प्रोपोगेट नहीं होगी तो पीछे हमारी शैडो बन जाएगी, जी शैडो किस लिए फॉर्म हो रही, लाइट के स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन में ना हो पाने की वजह से। ठीक है, अब लाइट का कलर कैसा होता है, लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, काला होता है, सफेद होता है, कैसा होता है, क्योंकि हमें तो अपने आसपास जो है अलग अलग तरह के रंग दिखाई देते हैं, और वो क्यों दिखाई देते हैं, सब एक सा क्यों नहीं दिखाई देता, या सब अलग अलग ही क्यों दिखाई देता है। द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू विजिबल स्पेक्ट्रम और दैट इज डिटरमाइंड बाय देयर वेवलेंथ, द रेड इज हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वायलेट इज हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मतलब कि जो रेड लाइट होती है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, और वायलेट लाइट होती है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। अब ऐसा क्यों होता है या इसके फायदे क्या क्या हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कलर ऑफ लाइट पे जो है वापस आते हैं कि लाइट का कलर क्या होता है। तो अमूमन जो है जो हम लोग बोलते हैं जो साइंटिफिक बिलीफ है उसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट, लाइट इज कंपोजिशन ऑफ ऑल द कलर्स। मतलब जो हमारे सन से जो लाइट आ रही है वो ऑलमोस्ट इट इज अ विजिबल व्हाइट लाइट, लेकिन जैसे ही वो किसी किसी सरफेस पे पड़ती है, तो जब सरफेस पे पड़ती है लाइट तो हमें अलग अलग जो है कलर्स दिखाई देते हैं। उसका कारण ये है, सपोज कि जैसे ये हमारा पेन है, ठीक है ना, इस पर जो है कुछ लाइट पड़ रही है और ये हमें अलग कलर का दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमारी व्हाइट लाइट आ रही है ऐसे इस पे जो है इस सॉलिड पे जो है ये टकराई, और ये क्या करेगा, जो इसका रिस्पेक्टिव कलर है वो एब्जॉर्व कर लेगा, बाकी सब रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो एब्जॉर्व कर रहा है ये कलर वो हमारी आंखों पे आता है, तो हमें इसलिए ये कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे जो है ब्लैक कलर की हम बात कर रहे हैं, तो ब्लैक कलर क्या करता है, सारी जो है लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है, तो यानी कि रिफ्लेक्ट कुछ नहीं होता है, तो इसलिए वो हमको ब्लैक दिखाई देता है। व्हाइट कलर क्या होता है, व्हाइट कलर जो है सारी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। व्हाइट कलर का कोई हम ऑब्जेक्ट लिए हों या शर्ट पहने हों या कुछ भी हो, तो वो क्या करता है, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और हमें जो है कलर व्हाइट दिखाई देता है। यानी कि व्हेन ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, द कलर विच वी ऑब्जर्व इज व्हाइट, एंड वेन ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इज एब्जॉर्ब देन द कलर विच इज ऑब्जर्व इज ब्लैक। और यही जैसे हमारे बाल हैं ब्लैक हैं, तो ब्लैक इस पे जब बालों पे हमारे लाइट पड़ रही है तो ये सारा जो है व्हाइट लाइट को एब्जॉर्व कर ले रहा है, उसके अंदर कंपोजिशन भी है जितने कलर के सब एब्जॉर्व कर ले रहा है, इसलिए हमारे बाल जो है ब्लैक समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और जो अलग अलग रिस्पेक्टिव कलर है वो अलग अलग रिस्पेक्टिव वेवलेंथ जो है एब्जॉर्व करते हैं, और फिर जो है वही कलर हमारी आंख जो है परसीव करती है, उसको हम जो है मैनिफेस्ट करते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है जो है हमारा, फिर हमने कहा कि ये जो
रेड लाइट हमारी उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। अब उससे क्या फायदा है हमारा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के फायदा ये है कि जब हमारे सिग्नल्स होते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं उनको जब आप देखेंगे, तो वहां पर जो हमारे डेंजर का जो सिंबल यूज किया जाता है वो जो है रेड कलर का यूज किया जाता है। यानी कि अगर किसी लाइट की जो है वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो वो बहुत तेज जो है ट्रेवल करेगी और हमारे आंखों पे जो है बहुत जल्दी जो है पहुंचेगी जो है। यानी कि अगर कोई खतरा है तो वो सबसे पहले हमारी आंख जो है ऑब्जर्व कर ले। इसलिए हमेशा जो स्टॉप के सिग्नल, डेंजर के साइन, वो हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं। नॉर्मली जो है वो वायलेट कलर के नहीं बनाए जाते हैं। क्यों? वायलेट कलर की क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है, जिससे कि वो जो है फैल ज्यादा जाता है। तो जब फैल जाएगा तो हमको दिखेगा नहीं प्रॉपरली, तो हम जो है खतरे को जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब ट्रैफिक सिग्नल्स में आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर रेड लाइट होती है, फिर येल्लो होती है, फिर ग्रीन होती है हमारी। तो स्पेक्ट्रम में जो है, जब विजिबल स्पेक्ट्रम की हम लोग बात करते हैं, विजिबल लाइट की जो है, तो उसमें जो ग्रीन कलर होता है हमारा, उसकी रिलेटिवली जो है रेड से थोड़ा वेवलेंथ जो है कम होती है, जिसकी हाँ लेकिन ट्रेवल वो भी फास्ट करती है। तो जो हमारा चलने का सिग्नल वो भी हमारी आँख के पास बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से, इस वेवलेंथ की वजह से जो है हम ट्रैफिक सिग्नल्स में ये रेड येलो ग्रीन लाइट को यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एक जो है प्रिज्म बना हुआ है, उस पर व्हाइट लाइट एंटर कर रही है और क्या हो रहा है, लाइट अपने रिस्पेक्टिव जो है कलर में जो है बढ़ जा रही है, बिल्कुल फैल जा रही है। व्हाइट लाइट एंटर करी प्रिज्म में और लाइट क्या हो जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है बिल्कुल अपने सातों कलर में, जो करेक्टरिस्टिक कलर है वेव की ओर के, वो जो है हमें मिल जा रहे हैं। अब ये जो हमारी ये स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ गामा रे लिखा है, एक्सरे लिखा है, अल्ट्रा वायलेट रे लिखा है, फिर विजिबल एरिया जहाँ पे हम लाइट को देख पा रहे हैं, फिर विजिबल एरिया से आगे इंफ्रारेड है, फिर रेडियो वेव है। अच्छा, होता क्या है कि लाइट भी जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम जो लेटर क्लासेस में जानेंगे, लेकिन एक सरसरी तौर पे ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ऐसा एरिया जिसको हमारी आंखें जो है देख पाती हैं, वो जो है विजिबल एरिया कहलाता है, उसी को जो है हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं। बाकी यूवी लाइट को हम नहीं देख सकते, इंफ्रारेड को हम नहीं देख सकते हैं, रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते हैं, गामा रे, एक्सरे इनको नहीं देख सकते हैं, हमारी आंखें इनको जो ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं। ठीक है, और इनके भी अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे एक्सरे का एप्लीकेशन अलग है, यूवी का एप्लीकेशन अलग है, हमारी विजिबल लाइट के अलग अलग एप्लीकेशन है, इंफ्रारेड के अलग एप्लीकेशन है, रेडियो वेव्स के अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, तो लाइट हमारी जो है हमेशा रिफ्लेक्ट करती है जब किसी प्रिज्म से पास करती है अपने रिस्पेक्टिव सेवन कलर्स में, जो फंडामेंटल या प्राइमरी कलर्स हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की जब हम बात करेंगे, तो प्रॉपर्टीज हमने क्या बताया था, जब लाइट अगर किसी जो है सॉलिड सरफेस पर टकराएगी तब क्या होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइट जो है सॉलिड के अंदर जो है पास नहीं कर सकती है जो है, ठीक है, वो जो है रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कब होगा, सपोज जो किसी सरफेस पे, कलर्ड सरफेस पे जो है लाइट टकराई जो, तो उसका जो रिस्पेक्टिव वेवलेंथ होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी कि लाइट एब्जॉर्ब भी होती है, किसी मीडियम से पास होगी लाइट तो उसमें भी थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाएगी, लाइट पूरी निकलेगी तब। ठीक है, ट्रांसमिशन कब होता है, सपोज एक जो है हमने प्लेन ग्लास रख दिया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक सीट रख दी, उससे लाइट जो है पास करे तो वो बिल्कुल ट्रांसमिट हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, उसको कोई जो है रोक टोक नहीं होगा कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी। कब जो है ट्रांसमिट हो जाएगी, जब हमारा सरफेस जो है ट्रांसपेरेंट है या थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट टाइप में, तो हमारी लाइट क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन सॉलिड है अगर, तो फिर रिफ्लेक्शन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा जो है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और इनका भी हम लोग जो है अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं कि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का कब इस्तेमाल करना है, एब्जॉर्प्शन का कब करना है, ट्रांसमिशन का कब करना है, हर एक के अपने अपने जो है एप्लीकेशन हैं। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले उसमें आता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सरफेस इट ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज ये हमारा कोई सॉलिड सर्फेस है, यानी कि लाइट ऐसे आई, ये सर्फेस पर टकराई, ठीक है, अब जब ये जो है वापस ट्रेवल करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो यहाँ से ऐसे ही वापस नहीं जाएगी, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ये उतने ही एंगल, जितना एंगल इधर गिरी थी उतने ही एंगल से इस साइड से वापस जाएगी ऐसे ये। ठीक है, यानी कि जिस एंगल पे गिरी, ये हमारा जो एंगल है ये
और मोबाइल के साथ और इसके साथ जो एंगल बनना, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और वहीं सॉरी ये हमारा जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सॉरी सॉरी, ये जब लाइट इधर गिर रही सरफेस पे तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो ये हमारा जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि लाइट हमेशा जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है फॉलो करती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी होते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन तब होते हैं जब हम जो है दो मिरर्स को जो है आपस में ऐसे रखते हैं। सपोज दो मिरर अगर ऐसे रखे हैं और आपस में इस तरह एक दूसरे के सामने फेसिंग है, तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेंगे, जिसको अभी हम आगे चल के देखेंगे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं। और फिर क्या रिफ्लेक्टिव सिम्फनी, कभी कभी हम ऐसे जो है लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें पूरा बहुत बड़ा एरिया जो एक छोटे से पीस में हमको दिखता है, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव सिम्फनी बोलते हैं। उसका भी एक जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या होता है कि ये रिफ्लेक्टिव सिम्फनी किसको बोलते हैं। एक क्लाउड गेट स्कल्पचर है जो शिकागो में जो है बना हुआ है, वो एक एग्जाम्पल है जो रिफ्लेक्टिव सिम्फनी का, और बहुत अच्छा उसमें रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। ओके सर, अभी आपने जो हमें विबग्योर के बारे में बताया था, प्रिज्म से कैसे जो सेवन लाइट्स आ जाती हैं, विबग्योर वाली लाइट्स आ जाती हैं, उसके बेस पे एक क्वेश्चन हमारे पास आया है। हमारे एक व्यूअर हैं और आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि व्हाई डू वी गेट डिफरेंट कलर्स व्हेन लाइट पास थ्रू प्रिज्म। और हमारे व्यूअर का नाम है राजेश्वर भारद्वाज, तो क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जी मैम, होता क्या है जब लाइट जो है प्रिज्म से पास करती है तो वो बिल्कुल जो है बंट जाती है लाइट अपने जो है फंडामेंटल कलर्स में, यानी कि जो है वो स्कैटर हो जाती है। जैसे ही प्रिज्म जब है एंटर करती है लाइट, तो प्रिज्म जो है लाइट की स्कैटरिंग करा देता है। अब लाइट जब स्कैटर करेगी तो व्हाइट लाइट नहीं स्कैटर होगी, वो अपने फंडामेंटल कलर्स में जो है स्कैटर होती है, जिसकी वजह से हमें जो है विबग्योर जो है फॉर्म होता है। सपोज जो है जब हमारी जो है सनलाइट अगर जो है हो रही, हम देख रहे हैं, और सनलाइट के टाइम अगर बारिश हो जाए, तो बारिश जब होती है तो उससे जो ड्रॉपलेट्स गिरती हैं पानी से, पानी की, उससे जब सनलाइट पास करती है तो वो जो है ड्रॉपलेट्स जो है उस सनलाइट को जो है स्कैटर कर देते हैं, तभी जो हमें रेनबो का फॉर्मेशन मिलता है। तो ये इसलिए होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ये एक इफेक्ट है जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करती है देन इट स्कैटर्स द लाइट, ठीक है मैम। जी सर, इन्हीं हमारे व्यूअर का एक और सवाल भी है, वो जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि तीन तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक एब्जॉर्ब कर लेती है लाइट, एक रिफ्लेक्ट करती है, और दूसरा ले लेती है, मतलब उसे स्प्लिट कर देती है। तो ऐसे में सॉलिड्स जो होते हैं, आपने बोला कि उससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो प्लास्टिक भी एक सॉलिड है, तो उसमें लाइट रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करती, वो पूछ रहे हैं, उससे पास लाइट पास क्यों करती है प्लास्टिक सीट से पास। मतलब जैसे अगर जो है ओपेसिटी है प्लास्टिक सीट में, या ट्रांसपेरेंसी है प्लास्टिक सीट में, ठीक है, उससे जो है लाइट पास कर जाएगी, लेकिन क्योंकि उसमें मीडियम जो है, जो हमारा मीडियम होता है, मीडियम जो है लाइट को जो है अफेक्ट करता है, लाइट की ट्रेवलिंग स्पीड को भी, ठीक है। तो जब ट्रांसपेरेंट सीट है, अगर प्लास्टिक की सीट या ट्रांसलूसेंट सीट है, तो उससे लाइट पास करेगी, ट्रांसलूसेंट से कम पास करेगी, ट्रांसपेरेंट से पूरी पूरी पास कर जाएगी। लेकिन अगर कलर्ड जो है तो वो इतना डेंस मीडियम होता है कि जिसकी वजह से उससे लाइट जो है पास नहीं करती, फिर वो रिफ्लेक्ट करती है, यानी मीडियम जितना ही ज़्यादा डेंस होगा तो लाइट वहाँ से पास नहीं करेगी, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब जैसे हमारे जो मेटल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं, इतने ज़्यादा डेंस होते हैं, उसमें जगह नहीं होती है पास करने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे मीडियम जो है डेंसर होता जाएगा, लाइट जो है बिल्कुल पास नहीं होगी, ठीक है मैम। जी, तो मतलब प्लास्टिक की डेंसिटी पे, उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है कि लाइट उससे पास करेगी या नहीं करेगी, और मीडियम पे भी डेंस कितना डेंस है जो है उसकी डेंसिटी। जी, और सर अगर यही हम मिरर की बात करें, शीशे की बात करें, तो उसमें भी जो लाइट होती है वो ट्रांसमिट करती है या रिफ्लेक्ट करती है, क्या आप बताना चाहेंगे? मिरर में जो है रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट करती है। ओके, मिरर में जो है हमेशा रिफ्लेक्ट बैक होगी। कभी आप जब मिरर लेंगे तो ऐसे लाइट जाएगी उसमें, क्योंकि शाइनी सरफेस जो होते हैं, जितने भी शाइनी सरफेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं लाइट को। और लगभग जो है, अगर हमें 100% रिफ्लेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन अगर लगभग जो है अप्रोक्सीमेट हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, तो हमारा सरफेस बिल्कुल शाइनी होना चाहिए, ठीक है मैम। जी जी सर,
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या होता है, इट इज़ द चेंज ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ शाइनी सरफेस। हाँ, उसको जो है उस शाइनी सरफेस को हम लोग मिरर से भी जानते हैं। कभी कभी स्टेनलेस स्टील के भी सरफेस होते हैं, वो भी जो है बिल्कुल शाइनी होते हैं, तो वहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। या घर में जो हमारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, वो भी बड़े शाइनी होते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, पूरा नहीं होगा लेकिन होता है लाइट का। या आप देखेंगे जो है आपका उसमें चेहरा दिख जाएगी, या जो कुछ भी है ठीक है देखना चाहेंगे वो दिख जाएगा। मिरर के जितना साफ नहीं दिखेगा ठीक है ना, लेकिन एक पर्याप्त मात्रा में उसमें दिखेगा। और द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। मतलब अगर किसी प्लेन मिरर में ठीक है ना, ये हम किसी ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इधर पे, और प्लेन, ये प्लेन मिरर है हमारा, ये अगर जा रहा है ऑब्जेक्ट की इमेज इस पे बन रही है, तो सबसे पहले इमेज इरेक्ट बनेगी, यानी जैसी थी इमेज वैसी ही बनेगी, और लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगा जी ठीक है, और अप राइट नहीं होगी इसमें, मतलब सीधे जा रही तो सीधे हम दिखेंगे, जैसा है वैसे दिखेंगे। और जितने बाहर है इमेज और मिरर के अंदर, उतने ही अंदर जो है इमेज बनेगी, छोटी दिखेगी लेकिन परसेप्शन ये है कि हमारा कि उतने ही अंदर बनेगी। सपोज अगर मिरर के बाहर ये 5 मीटर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी अंदर जो है मिरर के अंदर 5 मीटर अंदर ही बने ठीक है मैम, और सेम साइज की बनेगी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम बोल रहे थे, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हमने देखा जो है कि दो जो है हमारे मिरर जो है जुड़े हुए रखे, उसके बीच में हमने दिया रखा हुआ है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमने एंगल भी बनाए हुए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ठीक है। अब ये दिया जब यहाँ रखा, तो यहाँ पर भी दिख रहा है, ये इधर भी दिख रहा है, फिर अंदर मिरर के अंदर मिरर दिख रहा है, इधर भी मिरर के अंदर मिरर दिख रहा है, फिर ये बिल्कुल मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते ही चला जा रहा है ठीक है। ये भी एक जो है फिनोमिना है मिरर्स का जो है रिफ्लेक्शन का, कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं, क्लाइडोस्कोप बनाने में यूज़ करते हैं, जो बच्चे जो है एक यंत्र लिए रहते हैं उसमें बहुत सारे इन्फिनिटी मिरर का जो है कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो है, तो वो हमें पूरा पूरा काफ़ी सारी जो है डिज़ाइन अंदर ही अंदर दिखती हैं। क्लाइडोस्कोप स्टील का बना है, और ये पूरा जो है अगल बगल जितनी भी जो है बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं, उसकी जो है इमेज अब उसके ऊपर दिखती है, उसकी जो अब देख पा रहे होंगे ये जो ड्रॉप सा रखा हुआ है, इस पर पूरी जो है इमेज हमें दिख रही है सारी जो है बिल्डिंग्स के आसपास, छोटा सा है लेकिन पूरी बड़ी बिल्डिंग्स को जो है समाहित कर रखा है इसी में। फिर एक जो है लाइट की एक बड़ी खास जो है चीज है लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट, ये कहाँ पे काम करती है, मिरर राइटिंग में। जब जो है किसी, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ अ मिरर इट अंडरगोस लेटरल इन्वर्जन, दिस इज वाई राइटिंग अपीयर रिवर्स इन मिरर। सपोज आप कुछ लिख के जो है मिरर में देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो हमारा जो है उल्टा लिखा हुआ है। और इसका हम लोग फायदा यूज कब करते हैं, एम्बुलेंस में या इमरजेंसी सर्विसेज। सपोज रोड में जो है हमारी कोई एम्बुलेंस जा रही, तो उसमें जो है एम्बुलेंस हमेशा जो है उल्टा लिखा होगा जो, ताकि जब उसकी इमेज जो है आगे चल रहे जो गाड़ी के वाहन के मिरर में जो है पड़े, तो वो हमें सीधा दिखाई दे। यानी कि लेटरल इन्वर्जन का ये फायदा, सामने से जब हम देखेंगे तो उल्टा दिखेगा लेकिन मिरर में हमको सीधा दिखेगा, जिससे जो ड्राइवर है उसको ये पता चल जाए कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और इसको जो है ये इमरजेंसी वाहन है, इसको जो है हम जगह दे दें। रिवर्स टेक्स्ट भी जो है यूज होता है मिरर के, अगर इसको हमने सही से एडजस्ट नहीं किया तो फिर हमें जो है गड़बड़ जो है प्रिंट मिलेगा ठीक है। तो प्रिंटर की भी टेक्नोलॉजी हमारी लेटरल इन्वर्जन पर जो है काम करती है। फिर इमेजेस फॉर्म बाई स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर का काम यूज करते हैं, क्या काम है जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो दो टाइप्स के हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स में है। कॉनकेव मिरर्स क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर्स कैन फॉर्म रियल और वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फोकल पॉइंट। वहीं हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं, मतलब जो इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में वो मिरर के अंदर ही बनेगी ठीक है ना, डेट आर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जो है छोटी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट बाहर बहुत बड़ा है तो मिरर के अंदर जो इमेज छोटी बनेगी, छोटी बन जाएगी, या जो भी जो है उसका कर्वेचर है, कर्वेचर के हिसाब से जो है हमारी इमेज बनेगी ठीक है। रे डायग्राम्स किस लिए यूज होते हैं, रे डायग्राम्स आर यूज टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई द मिरर, दे शो द पाथ ऑफ लाइट एज इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द मिरर एंड हाउ द इमेज इज फॉर्म, कैसे जो है इमेज फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट का पाथ क्या है, इमेज का पाथ क्या है, रेस कहाँ से जा रही है, कहाँ पे जो है इमेज फॉर्म होगी, ये पूरा जो हमें रे डायग्राम्स के थ्रू
समझ में आता है। जी ठीक है, सर, अब ये क्या आप देखिए। जी जी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एक एक एग्जाम्पल देकर बेहतर तरीके से समझा पाएंगे? मैं बता देता हूँ मैं। जी ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इमेज फॉर्म हुई है कॉनकेव मिरर से। जी ठीक है, ये हमारा ये जो ब्लू कलर का है, ये सामने जो है हमारा कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, और सामने जो है एक क्या लगी हुई है हमारी, कैंडल लगी हुई। कैंडल की जो है इमेज जब जो है मिरर पे जा रही, तो इसका इमेज जो है फॉर्म कहाँ हो रहा है, ये यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये जो वाइट स्क्रीन लगी है, फॉर्म डेट सी। ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज है। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ होता है कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, जो हमारे जो है रोड साइड साइंस देखेंगे आप, जो है बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं। ठीक है, और हमारे जो जो होते हैं उसमें जो मिरर लगे होते हैं, वो हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे या डेंटिस्ट के यहाँ जाएंगे, वो दांत जो है जब देखता है हमारा जो है, ठीक है, तो वहाँ पर वो कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। जैसे उन्हें जो है अगर बड़ा जो है साइज चाहिए तो उस हिसाब से यूज़ करते हैं, और छोटा अगर उन्हें देखना हो तो उस हिसाब से यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर। ठीक है मैम, अब जैसे ये हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल देख रहे हैं, रोड पे ये लगा हुआ है जो है, ताकि जो हम जान पाएं कि पीछे से गाड़ियाँ कौन आ रही हैं, या कभी कभी क्या होता है बहुत ही जो है आड़े तिरछे मोड़ होते हैं जिससे कि हमें आगे का दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पे मिरर लगा दिए जाते हैं जिससे कि पता चल पाए कि उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, और एक फैटल एक्सीडेंट से जो है बचा जा सके। ठीक है, जी ये हमारे यूज़ हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर का जो है एक एग्जाम्पल लगा हुआ है। ठीक है ना, एक में सीधी जो है इमेज बन रही, एक में उल्टी इमेज बन रही। अब बच्चे जो है ये आप लोग जो है इसको पता करिएगा कि जिसमें ये इन्वर्टेड इमेज बन रही ये कौन सा मिरर है, और जिसमें ये इरेक्ट इमेज बन रही ये कौन सा मिरर है। ये एक एक्टिविटी के रूप में इसमें डाला है जिससे आपको पता चल पाए कि इरेक्ट इमेज कब बनती है और किस मिरर में बनती है, इन्वर्टेड इमेज कब बनती है और किस मिरर में बनती है, ये आप देखिएगा इसको। ठीक है, अब इमेज फॉर्म बाय लेंसेस, लेंसेस से भी जो है इमेज बनती है हमारी। ठीक है ना, और लेंसेस से जो है कैसी इमेजेस बनती हैं हमारी, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का यूज करके हम लोगों की जो है इमेजेस बनती हैं, जिसमें एक बार जो है कहीं पर एक जगह डाइवर्ज होती है, एक जगह जो है कन्वर्ज होती है। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइट को जो है अंदर की तरफ जो है बेंड कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा कॉनकेव लेंस है, जो लाइट को जो है आउटवर्ड जो है बेंड कर देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। हाँ, कभी भी जब लेंस यूज कर रहे हैं, जैसे जो मैग्नीफाइंग लेंस यूज कर रहे हैं सपोज ये, और इसको धूप में यूज कर रहे हैं, तो बच्चे हमेशा ध्यान दें कि इसको जो है डायरेक्टली नहीं यूज करना, नहीं तो आप जल जाएंगे जो है। ये इसीलिए यहाँ पे ये नोट डाला, इट इज डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट सन और ब्राइट लाइट। जी ठीक है, अब जैसे ये सर, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल। जी मैम, सर जी हमारे पास और वक्त नहीं है, क्यों ना हम इसे आगे अगले प्रोग्राम में कंटिन्यू करें, क्योंकि लाइट जैसी चीज़ के बारे में बहुत सारा कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए बच्चों के लिए। ठीक है सर, एक आखिरी नोट पे आप इसे रैप अप कर दीजिएगा। अब लाइट क्या है, लाइट जो है हमारे जो वंडर्स क्रिएट करती है, इनोवेशन का जो है मार्ग है लाइट में, और लाइट में मैजिक भी है। ठीक है, और बिना लाइट के हम जो, जैसे कि हमने बोला भी कि हम कोई भी चीज जो परसीव नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, रियलिटी को नहीं जान सकते, यानी कि लाइट सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमारे आसपास जो रियलिटी है उसको जान पाने में। ठीक है, इसी के साथ मैं रैप अप करूंगा कि लाइट का जो अल्टीमेट यूज है हमें रियलिटी से जो है रूबरू होने के लिए यूज करना। बिल्कुल, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, लाइट के बारे में सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। सर आपका बेहद धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चैप्टर को, लाइट के कॉन्सेप्ट को बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी बच्चों का भी, सभी दर्शकों का भी, अपने सवाल आपने हम तक पहुंचाए, और उम्मीद करते हैं आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। किसी भी कारणवश अगर आपने कार्यक्रम नहीं देखा है तो आप इसे फिर से देख सकते हैं NCERT ऑफिशियल हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। इस समय हम ये प्रोग्राम यहीं समाप्त कर रहे हैं, पर कक्षा 7 के बच्चे सभी अभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, क्योंकि अभी मैथ्स का एक कार्यक्रम लेकर हम थोड़ी देर में आने वाले हैं। जिस विषय पर बातचीत होगी वो होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पार्ट 2। तो अपने सवाल तैयार रखिए, पेन और पेपर भी रेडी रखिएगा।
जाने से पहले एक जानकारी देना चाहेंगे, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं नए एकेडमिक सेशन के लिए, अब वो पूरे भारत में उपलब्ध हैं। चाहे तो आप उन्हें डायरेक्टली सेल्स काउंटर से खरीद सकते हैं सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक, या फिर आप घर बैठे बैठे उनका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ncertbooks.ncert.gov.in है हमारी वेबसाइट। अगर आप चाहें तो PDF वर्जन यानी कि सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं एनसीईआरटी दीक्षा या ई पाठशाला की वेबसाइट या उसके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। तो इसी के साथ हम ये कार्यक्रम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आशा है आपका दिन शुभ हो। मैं हूं तन्वी खुराना, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।